बालाघाट मुख्यालय से चलने वाली यात्री बसों में चालकों परिचालकों द्वारा सवारियों को जानवरों की तरह ठूस ठूस कर भरा जा रहा है और इन बसों में खचाखच सवारियां बैठाई जाती हैं। तथा बस की गैलरी और पायदान में भी पैसेंजरों को भर दिया जाता है, जिसके कारण सांस लेना भी मुश्किल होने लगता है। और इन यात्री बसों में सुरक्षा मानकों के साथ साथ ट्रैफिक एवं महिला सुरक्षा नियमों की भी जमकर धजियां उड़ाई जा रही है। बालाघाट से अपने गंतव्य के लिए चलने वाली यात्री बसों में यात्रियों को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है और जिसके कारण यात्रियों को आए दिन परेशान होना पड़ रहा है। वहीं बस चालक यात्रियों से मनमाना किराया भी वसूल कर रहे हैं और क्षमता से कहीं अधिक सवारियों को भरा जा रहा है। शासन द्वारा यात्रियों को लेकर, खासकर महिला यात्रियों को लेकर जो नियम लागू किए गए थे, जिला परिवहन विभाग उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे ज्यादा दुखदायी स्थिति बालाघाट से गोदिया चलने वाली यात्री बसों की है। बालाघाट से अन्य दूसरे राज्य या फिर प्रदेश में ही लंबे सफर या फिर अन्य जरूरी कामों के लिए समय पर गोदिया से ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत से यात्री बालाघाट से गोदिया जाते हैं, साथ ही में जिसमें पुरुष के अलावा पारिवारिक महिलाएं, बच्चियां और साथ ही में छात्र छात्राएं भी होते हैं। ये बता, कहाँ जा रहे हैं आप? अपन तो नागपुर तक जा रहे हैं सर। तो ये यहाँ पर जो है देखने में आ रहा है कि ओवरलोड सवारियाँ लिया जा रही, क्या परेशानियाँ होती है? जी सर, हमारे अभी जो COVID-19 चल रहा है, इसके वजह से हमारे माता बहनों को और हमारे जो बस कंडक्टर है, जो भी है, जहाँ से बाहर से आते कोविड वाले, तो उसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है हमारी माता बहनें, हमारे गाँव ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को बोलो या स्कूल विभाग से जो बच्चे लोग आते हैं गाँव से, खेड़ों से, शहरी लोग जो आते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है COVID-19 की वजह से स्वास्थ्य। और ये जो बस वाला रूट होता है, जिसकी वजह से जो ओवरलोड सवारियां लिखी जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जो बस कंडक्टर या बस के जो मालिक होते हैं अपने फ़ायदे अपने इसके लिए, तो उसकी वजह से बाकी सभी लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत दिक्कत उठाना पड़ रहा है। ये भी देखने में आ रहा है कि जो ओवरलोड सवारियाँ भरी जाती है, उसमें माता बहनों को भी जो है वो बैठने के लिए सीट प्रदान है, वो भी खड़े खड़े सफ़र करते हैं। हाँ। ऐसे में कई मंचले जो है वो गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। सही बात। तो इसके क्या बोलना चाहेंगे आप यात्रा विभाग को? इसके लिए ये कि जितनी सीटें अवेलेबल होती हैं बसों के अंदर में, उतनी सवारी लेना चाहिए उन्होंने। और कंडक्टर और जो चेकर लोग होते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए, वो तो सीट को भी नहीं मालूम होता, बस के जो सीट लोग होते हैं उनको भी नहीं मालूम होता, ये तो अपने कंडक्टर ड्राइवर होते हैं और जो टिकट जो चेकर लोग होते हैं, वो अपने फायदे के लिए लेके जाते हैं। क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।